स्कॉर आइलैंड में रहने वाला स्कॉट डेविल एक ऐसा खूंखार और खतरनाक मॉन्स्टर है कि इसके आगे आने पर हर एक चीज को ये मारकर खा जाता है। और पानी में आज तक दिखाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर जिसका नाम है ब्लॉब और इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसे ब्लू वेल जो कि आज से समुद्र में सबसे ज़्यादा बड़ा जानवर माना जाता है वो उससे भी 3 या 4 गुना ज़्यादा बड़ा बोला जाता है। ज़रा सोचिए अगर इन दोनों खतरनाक जानवर का अंदर कभी लड़ाई हो तो लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। पहले अगर बात किया जाए स्कॉट डेविल के बारे में तो यह स्कॉल आइलैंड में रहने वाला एक बेहद ही खूंखार प्राणी है जो कि साल में सिर्फ एक बार जागता है और इसके आगे आने पर हर एक चीज़ को मारकर खा जाता है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि स्कॉल आइलैंड का राजा जिसका नाम है किंग कॉन्ग वो उसे भी लगभग मार ही डाला था। इसका रफ्तार और इसका फुर्ती के आगे कोई भी एक ऐसा रेप्टेकल आज तक पैदा नहीं हुआ जो इसे हरा सकता है। और अगर बात किया जाए पानी में दिखाए जाने वाला सबसे खतरनाक जानवर जिसका नाम है ब्लॉब तो ये पहली बार इसके आवाज 1995 मसिया में साइंटिस्ट का एक टीम का द्वारा सुना गया था जो ये बताते हैं कि ये मॉन्स्टर ब्लू वेल से भी 3 या 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, यानी ये बेहद ही खतरनाक और खूंखार मछली है जो कि आज भी समुद्र के अंदर कहाँ पर छुपकर बैठी है। अगर ये सच में समुद्र में आज भी कहाँ पर है तो ये आज तक दिखाए जाने वाला सब जानवरों में से सबसे ज़्यादा बड़ा और खतरनाक जानवर माना गया होगा। अगर इन दोनों खतरनाक जानवरों के अंदर कभी अगर लड़ाई हो तो इस लड़ाई का विजेता हमेशा स्कॉट डेविल को ही माना जाता है, क्योंकि हम सबको पता है स्कॉट डेविल धरती के अंदर छुपकर रहता है, इसके वजह से वो सांस रुकने में भी आसान हुआ होगा। स्कॉट डेविल बहुत ही लंबे समय तक आराम से सांस रोक सकता है, इसलिए इसको पानी के अंदर लड़ाई करने में ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुआ होगा। और ब्लॉब का शरीर बेहद ही ज़्यादा बड़ा माना जाता है स्कॉट डेविल से, इसीलिए स्कॉट डेविल अपना फुर्ती का इस्तेमाल करके ब्लॉब को आराम से ही चकमा दे पाया होगा। और स्कॉट डेविल अपना नुकीली और मजबूत जबड़े से बहुत ही आसानी से ब्लॉब का शिकार कर पाया होगा, इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हुआ होगा तो 10 में से 6 बार बड़े ही आराम से स्कॉट डेविल ही जीता होगा, क्योंकि स्कॉट डेविल एक बेहद ही फुर्तीला और खतरनाक जानवर है जो कि आज तक इस धरती में देखा नहीं गया, इसीलिए अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हुआ होगा तो इस लड़ाई में हमेशा ही स्कॉट डेविल ही विजेता रहा होगा।